को सुनने वाला हूँ। मेरा बहुत सारा सवाल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जी थर इज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम जहाँ भी जाते हैं बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशगवार मौसम होता है, कल्चर यहाँ का ट्रेडिशन बहुत कमाल है, हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल है, लोगों का बहुत ही ख़ास मेहमान नवाजी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जहाँ जहाँ देखने और सुनने वाले हैं उन सबको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे विज़िट करें और इधर के कल्चर को देखें और इधर के लोगों से जो सीखने को मिलता है वो ज़रूर आके सीखें। और मेरी दूसरा साल है कि मैं लगातार यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। थरपारकर का ट्रैक जो है बड़ा चैलेंजिंग है, एक तो इसमें सस्पेंशन वर्क काफ़ी ज़्यादा है, और नंबर दो बहुत हाई ड्यून्स हैं। जब हम ड्यून के ऊपर चढ़ते हैं तो गाड़ी का रुख जो है वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट अप होता है, तो उसमें हमें नज़र नहीं आता कि जब हम लैंड करेंगे तो वो किस रुख के ऊपर, राइट या लेफ़्ट या सीधा, तो यही एक चैलेंज है। और दूसरा, बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ग्रीन है, बड़े कम सहरा ऐसे होते हैं जिनमें आपको इतनी ग्रीनरी मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत जगह है। हम ख़ुद भी बहुत लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं यहाँ पे देख के, इस इलाके को, यहाँ की मेहमान नवाजी को, यहाँ के लोगों की मोहब्बत को, तो हम बहुत दिल से मशहूर हैं यहाँ थरपारकर के लोगों के, मिट्टी के लोगों के, जो ये इतना प्यार दे रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि इनको अच्छा खेल दिखाएं। चाहूँगा कि जी थर इज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम जहाँ भी जाते हैं बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशगवार मौसम होता है, कल्चर यहाँ का ट्रेडिशन बहुत कमाल है, हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल है, लोगों का बहुत ही ख़ास मेहमान नवाजी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जहाँ जहाँ देखने और सुनने वाले हैं उन सबको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर विज़िट करें और इधर के कल्चर को देखें और इधर के लोगों से जो सीखने को मिलता है वो ज़रूर आके सीखें।